वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाइयों, काफ़ी महिलाओं के स्तन में कैंसर हो जाता है जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं, लेकिन काफ़ी महिलाओं को यह पता नहीं होता है कि स्तन में कैंसर होने के क्या कारण होते हैं, जिसकी वजह से जिन कारणों से स्तन में कैंसर होता है उन चीज़ों से वो बचाव नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी महिलाओं को स्तन में कैंसर हो जाता है और इसका सही इलाज न मिलने के कारण काफ़ी महिलाओं की मौत भी हो जाती है। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि महिलाओं के स्तन में कैंसर होने के क्या कारण होते हैं। इस विषय में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। ज़्यादा रेडिएशन के संपर्क में आने से स्तन कैंसर हो जाता है। बांझपन के कारण स्तन कैंसर हो जाता है। 50 से ज़्यादा उम्र वाली महिलाओं को स्तन कैंसर होने का खतरा काफ़ी होता है। 12 बरस की उम्र से पहले जिन महिलाओं का मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो उन महिलाओं में स्तन कैंसर होने का खतरा काफ़ी होता है। 30 साल की उम्र के बाद जो महिलाएं पहले बच्चे को जन्म देती हैं तो उन महिलाओं में स्तन कैंसर होने का खतरा काफ़ी होता है। मोटापा के कारण स्तन कैंसर हो जाता है। जिन महिलाओं के परिवार में महिलाओं को स्तन कैंसर होने की फैमिली हिस्ट्री होती है तो उन परिवार की महिलाओं में स्तन कैंसर होने का खतरा काफ़ी होता है। ज़्यादा शराब, दारू या अल्कोहल पीने से स्तन कैंसर हो जाता है। ज़्यादा सिगरेट या किसी भी प्रकार का धूम्रपान करने से स्तन कैंसर हो जाता है। BRCA1 और BRCA2 नामक जीन में उत्परिवर्तन से स्तन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। हार्मोन थेरेपी के कारण स्तन कैंसर हो जाता है। जिन महिलाओं के स्तन पर कैंसर रहित गांठ पहले हो चुकी हो तो उन महिलाओं में स्तन कैंसर होने का खतरा काफ़ी होता है। 55 वर्ष की उम्र के बाद जिन महिलाओं का मासिक धर्म बंद होता है तो उन महिलाओं में स्तन कैंसर होने का खतरा काफ़ी होता है। तो भाइयों, इन सभी कारणों से महिलाओं के स्तन में कैंसर हो जाता है, लेकिन महिलाएं बचाव करेंगी तो वो स्तन में कैंसर के होने से बच जाएं। भाइयों, जिन महिलाओं के स्तन में कैंसर हो गया है तो आप सही कैंसर अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराएं, उल्टा सीधा इलाज बिल्कुल भी ना कराएं। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो भाइयों आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। नमस्कार भाई।